बोलिए। कक्षा छ पाठ दो पदार्थ एवं पदार्थ के समूह, प्रश्न नंबर 8, चुंबक किन किन पदार्थों से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है? इसका उत्तर होगा कि चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि से बनी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। 9, अपने आसपास पाई जाने वाली वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी में चिन्हित कीजिए। इस प्रश्न का आशय है कि दो दो तीन तीन उदाहरण दीजिए पारदर्शी का, अपारदर्शी का और पारभाषी का, क्योंकि इसमें शब्द लगा दिया है अपने चारों तरफ। तो पारदर्शी में हम देखते हैं, पारदर्शी में शीशा है, इस खिड़की में लगा हुआ है, आप बाहर और अंदर की वस्तुएं दिखाई पड़ रही हैं। जल में है कोई चीज, है साफ जल है, हम देखते हैं कि अंदर से भी कौन सी चीज है दिखाई देती है। तो इस तरह से कांच और जल पारदर्शी का उदाहरण हुआ। अपारदर्शी में तो बहुत हैं, लकड़ी है, चमड़ा है, कागज है आदि आदि वस्तुएं हैं, इनको हम कहेंगे अपारदर्शी। और पारभाषी की बात जहां तक आती है, अपने शब्दों में उसे हम लोग कहते हैं अल्प पारदर्शी, जैसे तेल लगा हुआ कागज है, इसको हम कहेंगे पारभाषी। इसमें मतलब कि एक धुंध दिखाई पड़ती है, धुंधला सा पदार्थ दिखाई पड़ता है। तो एक कांच है, इस पर कोई मतलब कि लग जाता है पेंट वगैरह, तो ये भी मतलब कि पारभाषी का ही काम करता है, कोई चीज मतलब धुंधला ही दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि तेल लगा हुआ कागज और पेंट लगा हुआ कांच पारभाषी के उदाहरण हैं। आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 10, पदार्थों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है? इस संबंध में अपने विचार लिखिए। इस संसार में इतने पदार्थ हैं कि सबको याद रखना, सबको सजा कर रखना और सबको पहचानना एक मुसीबत मोल लेना है। अगर इनके गुणों के आधार पर, इनकी बनावट के आधार पर इनको विभिन्न समूहों में बांट कर रखा जाए तो आसानी से हम इन्हें पहचान सकते हैं और समय पर काम में ला सकते हैं। यही व्यवस्था जो है पदार्थों का वर्गीकरण कहलाती है। अब इस तरह से ये पाठ समाप्त हुआ। अगला पाठ हम लेते हैं, पाठ 3, पदार्थों का वर्गीकरण और पृथककरण। इसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प छांट कर लिखिए। अब है पहले का को है, शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं। 4 विकल्प इसमें दिया हुआ है, जो खाने में शुद्ध हों, जिन्हें छान कर अथवा वाष्पित कर अलग किया जा सकता है। 100 है, जिसमें सभी अणु समान प्रकृति की हों, और 2 है, जो विभिन्न तत्वों के मिश्रण हों। हम इस पर जब विचार करते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि शुद्ध पदार्थ वही कहलाते हैं जिनके मतलब कि सभी अणु समान प्रकृति के हों। और इस मतलब की रूप से अगर हम देखते हैं तो विकल्प 100 सही है। लिखने का तरीका क्या है? शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं जिसके सभी अणु समान प्रकृति के हों, अतः विकल्प 100 सत्य है। इसके बाद हम चलते हैं ख वाले पर, वायु है, इसमें भी 4 विकल्प हैं। अ है शुद्ध पदार्थ,
दूसरा है समांगी मिश्रण, सौ है विषमांगी मिश्रण और दो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के यौगिक। अगर इसमें हम देखते हैं कि शुद्ध पदार्थ कहा जा रहा है, वायु को हम शुद्ध नहीं कह सकते हैं, तमाम चीजें इसमें मिली हुई हैं। दूसरा विकल्प है समांगी मिश्रण है, गैसों का ये मिश्रण है और इस तरह से हम कह सकते हैं कि गैस एक समांगी मिश्रण है। और लिखने का तरीका होगा वायु समांगी मिश्रण है, अतः विकल्प वो सत्य है। आगे चलिए ख के बाद ग पर। बालू और लोहे की छीलन को हम पृथक को पृथक किया जा सकता है। अभी हमें बताया कि चुंबक जो है लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। यहां लोहे की छीलन है, अगर चुंबक को हम ले जाएं मिश्रण के पास तो लोहे की बनी हुई छीलन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा और इस तरह से हम कह सकते हैं कि चुंबकीय पृथक्करण द्वारा हम लोहे की छीलन और बालू के मिश्रण से लोहे की छीलन को अलग कर सकते हैं और इस तरह से चुंबकीय पृथक्करण जो है सत्य हुआ। लिखने का तरीका क्या होगा, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किए को चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है।